Good morning, students. So today we are going to start a new chapter in mathematics. The name of the chapter is Lines and Angles. Okay, lines and angles chapter shuru karbo. Basically, lines and angles chapter mein padhna kya kya hai? Already there are three sections which you should learn this time. Is bar padhna. Pehla thing, the basic angles. Of mathematics, that is what are acute angle, what is obtuse angle, what is right angle triangle, what is adjoining triangle, while linear pairs, ye vagara. Secondly, you have to know how to add angles, because till now we knew that angles sirf degree ke hisab se represent karte hain. Lekin agar degree se bhi koi chota ho to, jaise hour. हम लोग क्या जानते हैं कि एक घंटा मतलब time is measured in hour. लेकिन hour से भी छोटा क्या होता है मिनट मिनट से छोटा क्या था सेकेंड उसी प्रकार डिग्री इज अ वैल्यू टू मेजर द एंगल डिग्री से छोटा क्या है दैट इज आल्सो कॉल्ड मिनट और मिनट से छोटा क्या है सेकेंड क्या होता है मिनट और सेकेंड रिलेशन 60 का 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री जैसे आवर में होता है उस तरह डिग्री में भी सेम होता है सेकेंड ये जानना है और थर्ड जानना है पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस तो ऑलरेडी क्लास 8 में करके आए हैं बट स्टिल यहां पे और थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे सो दीज आर थ्री टॉपिक्स दैट वी शुड कवर इन दिस चैप्टर दिस इज वेरी इजी चैप्टर सिर्फ एक या दो एक्सरसाइज में दिया हुआ है बेसिकली इट्स अ इजी वन ओके सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर वन बाय वन पहला पार्ट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल ये तीनों सेकेंड वी आर मूविंग ऑन टू लीनियर पेयर और एडजॉइनिंग एंगल्स देन वी हैव एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स Then we have vertically opposite angle and a complete angle. Then we have supplementary angles and complementary angles. Bas. ओके सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अब क्या होता है कि अगर समझो द फर्स्ट पार्ट आई थिंक इट विल बी वेरी नोन टॉपिक टू यू एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट ट्रायंगल राइट एंगल व्हाट इज एक्यूट एंगल मींस ऑल द एंगल्स व्हिच आर हैविंग वैल्यू लेस देन 90 ऑब्ट्यूज एंगल्स आर ऑल द एंगल्स व्हिच आर हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 90 And right angles are the angles which are having value equals to 90. What is linear pair? Sir, linear pair मतलब एक straight line पे जब दो या एक से अधिक angle lie करते हैं so that the total sum of the angle is 180, they are said to be linear pair. एक straight line के ऊपर एक या एक से अधिक अगर angle lie करता हो sorry दो या दो से अधिक मतलब ऐसा भी अगर मान लो मेरा तीन एंगल दिया हुआ है तो ये तीनों मिला के मेरा 180 होगा है ना बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे हमेशा एंगल 180 ही होता है 180 डिग्री ही होता है नाउ सो द सम ऑफ द थ्री एंगल्स और सम ऑफ द टू एंगल्स और सम ऑफ द फोर एंगल्स इफ इट सम्स टू 180 दैट मीन्स इट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन दिस इज नोन एज लीनियर पेयर एडजॉइनिंग एंगल्स मतलब क्या होता है एक साथ सटा हुआ सपोज दिस टू एंगल्स ये एक एंगल है और इसके साथ एक और एंगल सटा हुआ है जरूरी नहीं कि ये दोनों मिलकर 180 है लेकिन अगर दो एंगल एक के बाद एक सटा हुआ है दीज टू एंगल्स आर नॉन एडजॉइनिंग एंगल सटा हुआ एंगल ठीक है देन व्हाट इज एन एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट मतलब अगल बगल एडजेसेंट एरियाज बोलते नहीं एडजेसेंट तो सपोज दिस इज अ क्वाड्रेटर रेक्टेंगल क्वाड्रेटर है आई एम टेकिंग दिस एंगल ये मेरा कंसिडरेशन है तो इसके अगल बगल कौन सा एंगल है ये वाला है और ये वाला है सो दीज टू आर द
एडजस्टेंट एंगल्स फॉर दिस एंगल. उसी प्रकार व्हाट इज ऑपोजिट एंगल, अगर हमको ये एंगल कंसिडरेशन करना है तो ये दोनों तो उसका एडजस्टेंट है अगल बगल, जिसको ऑपोजिट किया होगा दिस विल बी द ऑपोजिट एंगल ऑफ दिस. एडजस्टेंट मतलब नेबरिंग और द सराउंडिंग एंगल्स, और ऑपोजिट मतलब जस्ट मैंने उल्टे साइड कौन सा वर्टिस हो रहा है दैट एंगल. फिर व्हाट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तब काम में आता है व्हेन टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट, वेयर टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट. तो क्या होगा व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये और ये इक्वल होगा और सिमिलरली दीज टू विल बी ऑल्सो बी इक्वल, ये दोनों भी इक्वल होगा. दिस इज नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये भी मेरे ख्याल से तुम लोग जानते ही हो, When two or more lines intersect like this, they have to cut each other. तो जो एंगल ऑपोजिट में लाई कर रहा है they are known as vertically opposite angles. तो सर complete एंगल क्या है, जब मेरा यहाँ पे दो या तीन लाइन इंटरसेक्ट कर ऐसे लाइक दिस, या तीन ही लाइन वाला इंटरसेक्ट कर दिया, तो वर्टिकली क्या होगा दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये वर्टिकली ऑपोजिट होगा. फिर दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये वर्टिकल ऑपोजिट होगा. And this will be equal to this, ये vertical opposite होगा. लेकिन ये सारा अगर add कर दिया जाए तो कितना होगा 360 degree. This is called a complete angle, that is angle around a point. एक point का अगल बगल जितने सारे angles हैं, सारे angles को अगर हम sum up करते हैं, मग अप करते हैं, the total sum will be 360 degree. This is known as your complete angle. And finally we have supplementary angles and complementary angles. Complementary will be. Complementary. तो क्या होगा supplementary complementary? Supplementary means sum is 180. और complementary means the sum is 90. ये है supplementary angle और complementary angle का मतलब. Means that sum of there are two numbers whose sum is 90 is known as supplementary angle. Sorry, is known as complementary angle. And two angles whose sum is 180 degree, that is known as supplementary. Samajha? So therefore I can say the linear pair is a supplementary angle. Linear pair is a type of supplementary angle. क्योंकि linear pair straight line पे हो रहा है. हमको कितने बार बोला straight line में होना चाहिए, straight line में नहीं भी हो सकता, अलग अलग हो सकता है supplementary angle. पर linear pair हमेशा एक straight line पे ही lie करे. ठीक है, तो देयरफॉर लीनियर पेयर इज अ टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर का भी सम होता है 180 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब द सम ऑफ द टू एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री. सो ये है बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल्स. नाउ सर ये सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री के ऊपर एक आध एग्जाम्पल बोल दीजिए, बोल दे रहे हैं. सपोज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एन एंगल which is one third of its complement. क्या क्वेश्चन है पढ़ो, find an angle which is one third of its complement. तो I will write here, let angle be x. तो complementary कितना हो जाएगा 90 minus x, और जाने दो one third of x. कॉम्प्लीमेंट्री बोला है, या फिर मानो ना कि 90 कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दोनों सब मिला के 90. तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस x. सो देयरफॉर बाय द प्रॉब्लम एंगल इक्वल्स टू 1/3 ऑफ कॉम्प्लीमेंट. तो एंगल कितना है, एंगल इज x इक्वल्स टू 1/3 इंटू कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 माइनस x, है ना. सॉल्व करो एक्स निकल जाएगा, करेक्ट. दूसरा क्वेश्चन का टाइप बोलते हैं, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है. फोर
टाइम्स द कम्युन। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज फोर टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। यहां पे एंगल से कोई रिलेशन नहीं है, सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में रिलेशन है। तो क्या लिखेंगे, लेट द एंगल बी एक्स, तो सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट विल बी 180 माइनस एक्स, और कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट विल बी 90 माइनस एक्स। सही है, तो बिकॉज आई टोल्ड द सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180, तो एक एंगल अगर एक्स है तो सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और कॉम्प्लीमेंट का सम इज 90, तो अगर एंगल एक्स है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो आई हैव गॉट थ्री वैल्यूज, एंगल है एक्स, सप्लीमेंट है 180 माइनस एक्स, और कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस एक्स। तो बाय द प्रॉब्लम क्या बोला है, सप्लीमेंट इज फोर टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट, मीन्स सप्लीमेंट इज 4 इंटू कॉम्प्लीमेंट। वैल्यू पुट कीजिए, सप्लीमेंट की जगह लिखेंगे 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में 90 माइनस एक्स, सॉल्व कीजिए, एक्स निकल जाएगा, मेरा एंगल निकल गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस जब कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री के ऊपर रहेगा। समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री के ऊपर जब भी क्वेश्चन रहेगा, पहले हम सप्लीमेंट को 180 माइनस एक्स और कॉम्प्लीमेंट को 90 माइनस एक्स पहले लिख लेंगे, उसके बाद जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा वी विल पुट द वैल्यूज एज पर इट, एज पर द गिवन क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस टाइप ऑफ दैट द एंगल इज डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स, द डिग्री इज डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स। मूविंग ऑन टू द पार्ट्स ऑफ एन एंगल, वन डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, मिनट्स एज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, अ सिंगल कोटेशन, अ सिंगल कोटेशन इज नोन एज मिनट, एंड वन मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, दिट इज नोन एज डबल कोटेशन। मिनट का सिंबल होता है, डिग्री का क्या सिंबल होता है, डिग्री का सिंबल होता है लाइक दिस, डिग्री है ना, मिनट का सिंबल होता है लाइक दिस, सेकेंड का सिंबल होता है लाइक दिस। तो तुमको क्या करना है, यहां पे डिग्री अलग से ऐड होगा, अलग से सब्ट्रैक्ट होगा, मिनट अलग से ऐड होगा, अलग से सब्ट्रैक्ट होगा, और सेकंड अलग से ऐड होगा, अलग से सब्ट्रैक्ट होगा। दिस थ्री आर सब पार्ट्स, लेकिन ये तीनों आपस में मिक्स नहीं करना है, सेकंड को अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, मिनट को अलग से ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, डिग्री को अलग से ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू ऐड 37 degrees 45 minutes एंड 45 seconds प्लस 25 degrees 40 minutes एंड 30 seconds। बोलो इसको कैसे ऐड करें, कैसे ऐड होगा, ठीक है चलो एक एक करके सेपरेटली तीनों अलग अलग ऐड होगा। तो 45 प्लस 30 कितना होता है 75 seconds, 45 प्लस 40 कितना होता है 85 minutes, और 37 प्लस 25 कितना होता है यहां पे 62 degrees। क्लियर है, देखो डिग्री का कोई अंत नहीं है, डिग्री का फाइनल अंत है 360, इसलिए डिग्री का कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसका है, इसका और इसका। क्यों सर इसका टेंशन क्यों है, बिकॉज आई टोल्ड कि डिग्री और मिनट तो 60 होता है, मैक्सिमम 60, उसके बाद फिर वो चेंज हो जाता है। जैसे टाइम में क्या होता है, 60 seconds के बाद फिर हम सेकंड नहीं बोलते, उसको 1 minute कहते हैं, 60 मिनट के बाद उसको मिनट नहीं, उसको 1 hour कहते हैं। उसी प्रकार 60 सेकंड के बाद वो 1 minute हो जाएगा, 60 मिनट के बाद 1 degree हो जाएगा, लेकिन यहां कितना सेकंड मिल रहा है 75 seconds, ये तो गलत है सर। तो क्या करेंगे, आई विल सब्ट्रैक्ट माइनस 60 फ्रॉम हियर, हम 60 सेकंड को माइनस करेंगे, 60 सेकंड माइनस किए तो किसमें चेंज हो गया, 1 minute में, तो इसके साथ प्लस 1 minute कर देंगे। अगर यहां 60 सेकंड माइनस किए तो यहां हम प्लस 1 मिनट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 15 सेकंड 86 मिनट 62 डिग्री। अब ये सही है, ये सही है, प्रॉब्लम इसके साथ 86 नहीं होगा, तो 60 के अंदर रहना चाहिए था। तो क्या करेंगे, इसको वही कम करें, माइनस 60 मिनट तो प्लस 1 डिग्री, तो क्या मिल रहा है हमको, आई एम गेटिंग 15 सेकेंड 26 मिनट
एंड 63 डिग्री। हाँ सर ये आंसर सही है, परफेक्ट। क्यों? यहाँ मिनट और सेकंड 60 से कम है और डिग्री का हिसाब में डिग्री जितना ऊंचा बड़ा हो सके कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू ऐड। अगर सब्ट्रैक्ट करने बोले तो क्या करेंगे? सपोज आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 27 डिग्री 35 मिनट एंड 15 सेकेंड्स माइनस 20 डिग्री 45 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स। हमको माइनस करना है तो क्या करें? सेकेंड अलग से माइनस होगा, मिनट अलग से माइनस होगा, डिग्री अलग से माइनस होगा। तब देखो यहां 27 माइनस 20 प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो जाएगा, लेकिन यहां 35 45 ये प्रॉब्लम कर दिया। वाई सर? क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा, हमको क्या चाहिए? ऊपर बड़ा चाहिए। तो क्या करेंगे? एक ही उपाय है, यहां से एक डिग्री इधर हुआ उधार लो, एक डिग्री उधार लो, यहां से एक डिग्री कमेगा तो यहां 60 सेकेंड बढ़ जाएगा, 60 मिनट बढ़ जाएगा। मतलब यहां अगर हो जाएगा -1 डिग्री तो यहां हो जाएगा +60 मिनट। तो क्या आएगा रिजल्ट देखिए, तो हमको यहां मिल रहा है 26 डिग्री 95 मिनट और 15 सेकेंड माइनस 20 डिग्री 45 मिनट 35 सेकेंड। अब सर यहां ऊपर 26 नीचे 20 ये अलाउड है, ऊपर 95 नीचे 45 अलाउड है, छोटा से बड़ा को माइनस कर रहे हैं। लेकिन सर यहां फिर प्रॉब्लम, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है 15 एंड 35, तो ये 15 को भी हमको बड़ा करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? आई विल कैरी 1 मिनट टू दिस सेकंड, ये मिनट से सेकंड में वैल्यू को कैरी कर देंगे। कितना हो जाएगा? यहां करेंगे -1 मिनट, यहां करेंगे +60 सेकेंड। तो क्या होगा इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट होगा 26 डिग्री 94 मिनट एंड 75 सेकेंड माइनस 20 डिग्री 45 मिनट्स एंड 35 सेकेंड। हाँ सर अब तो ये परफेक्ट हो गया, सब ऊपर में बड़ा है और नीचे छोटा है। चलिए माइनस कीजिए, माइनस का कितना मिलेगा? 75 माइनस 35 इज 40 सेकेंड। हाँ सर 40 सेकेंड अलाउड है, 60 से कम है। 94 माइनस 45 इज 49, सर ये भी अलाउड है। 26 माइनस 20 इज 6 डिग्री, सर ये भी अलाउड है, मीन्स माई आंसर इज करेक्ट। समझ में आया कैसे इसको हम मिनट और सेकंड में काम करते हैं? चले क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं। जो एग्जाम में तुम लोग बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री 42 मिनट्स एंड 42 सेकेंड्स। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री 42 मिनट्स एंड 42 सेकेंड्स। इसका क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट? खोजना पड़ेगा। लेट अस सी, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? 90 सम। तो हमको क्या करना है? 90 डिग्री से माइनस करना है 42 डिग्री 42 मिनट और 42 सेकंड्स। करेक्ट? चलिए इसको ठीक से लिखा जाए, 90 डिग्री 00 मिनट 00 सेकंड माइनस 42 डिग्री 42 मिनट 42 सेकंड्स। सही है? पहला डिग्री इज अलाउड, डिग्री का सब्ट्रैक्शन अलाउड है। क्यों? क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा। हां सर ये अलाउड है, ये अलाउड है। नहीं, क्यों? ऊपर जीरो मतलब ऊपर छोटा है नीचे 42। तो क्या बोले क्या करने? आगे से उधार लेंगे ऐसे लाइक। तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा -1 डिग्री और यहां हो जाएगा +60 मिनट। इसका रिजल्ट हो गया 89 डिग्री 60 मिनट 00 सेकेंड माइनस 42 डिग्री 42 मिनट 42 सेकेंड। अब देखिए क्या क्या अलाउड है। सर ये अलाउड है, ये अलाउड है, प्रॉब्लम यहां है। इसका उपाय फिर सर कैरी करना पड़ेगा। ठीक, की कॉरी करबो, यहां से -1 डिग्री यहां से +60 सेकेंड। करेक्ट? लिखिए इसका फाइनल वैल्यू 89 डिग्री सॉरी 59 हो जाएगा, एक कम गया ना, -1 हो गया,
So I am getting 59 minute and 60 second minus 42 degree, 42 second, 42 minutes and 42 seconds. हाँ सर, अब सब परफेक्ट. माइनस कीजिए 60 माइनस 42 इज 18 सेकेंड्स, 17 मिनट्स एंड 47 डिग्री. दिस इज माय आंसर. आया समझ में? कैसे काम करता है ये? सो दिस इज हाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड इज डन. ठीक है? तो सो ऐसा तुमको बहुत सारा क्वेश्चन घुमा के आएगा इसके ऊपर. नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक जो बच गया हमारे लिए वो क्या है सर? वो उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्लास 8 में भी था, क्लास 9 में भी आ गया परेशान करने. लेट अस सी पैरेलल लाइंस कैसे होता है. लाइंस काके बोले पैरेलल लाइंस सर? पैरेलल लाइंस आर द सेट ऑफ लाइंस. पैरेलल लाइंस आर द सेट ऑफ लाइंस दैट दे नेवर मीट एंड द परपेंडिकुलर गैप बिटवीन देम इज ऑलवेज फिक्स. मतलब इसका जो गैप है, यहां जो गैप है, यहां जो गैप है, सब इक्वल है. इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन यहां जो गैप है, यहां जो गैप है, सब इक्वल है. मीन्स द गैप बिटवीन द टू लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल. लेकिन अगर ऐसा रहा, मान लो दो लाइन भले ही दे आर नॉट मीटिंग, लेकिन कभी ना कभी मीट करेगा. कैसे सर? क्योंकि देखो इसका गैप देखो, यहां का गैप देखो और यहां का गैप देखो, तीनों गैप अलग अलग है, दे आर नॉट सेम. लेकिन यहां पे सब गैप बराबर था, देयरफॉर दे आर पैरेलल. यहां पे गैप बराबर नहीं है, सो इट इज नॉट पैरेलल. एंड एनी लाइन दैट कट्स अ पैरेलल लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल. कोई भी लाइन अगर पैरेलल को काटे तो उसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है. करेक्ट? अब नाउ क्या करना है आपको? यहां पे आपको इस ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन में रिलेशन जानना है. इसका तीन तरह का रिलेशन होता है. पहला होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल. दूसरा होता है अल्टरनेट एंगल. और तीसरा होता है कोइंटीरियर एंगल्स. ये तीन करेस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल तब होगा व्हेन द एंगल्स आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन एंड सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. आई एम रिपीटिंग, करेस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? व्हेन द एंगल्स आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द पैरेलल लाइंस. मतलब अगर हम इसको कंसिडर करें एज वन, तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? व्हाट आई टोल्ड, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में है, तो ये भी राइट हैंड साइड में होगा. इन दोनों में से किसी एक में होगा, राइट हैंड साइड में होगा. दूसरा, सेम साइड ऑफ द लाइन, ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में है, लेकिन लाइन के किस साइड में है? अपर साइड और लोअर साइड? सर अपर साइड. तो ये होगा मेरा, ये अपर साइड, ये वाला नहीं होगा. मतलब अगर ये वन है तो ये भी वन होगा. सही में आया? समझ लीजिए, अगर इसको मान लो, ये अगर टू लेते हैं, ये किधर है, या फिर इसको नहीं, इसको टू लेते हैं, इसको टू लेते हैं, ये किधर है सर? ये भी है अंदर राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो राइट साइड इन दोनों में से किसी एक को होगा. लेकिन ये है लोअर साइड, तो ये भी होगा लोअर साइड, ये टू होगा. सो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी होगा व्हेन द एंगल्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द लाइन. तो ऑल्टरनेट एंगल क्या है? जस्ट ऑपोजिट. ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन. एंड द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, द ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. मतलब ये वन और वन इक्वल है, टू और टू इक्वल. ठीक है, चलो ऑल्टरनेट एंगल देखा जाए. ऑल्टरनेट एंगल कैसे देखेंगे सर? चलिए मान ली ये मेरा एंगल वन है, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा? व्हाट आई टोल्ड, ऑल्टरनेट में दोनों उल्टा होना चाहिए. अगर ये राइट हैंड साइड में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा. मतलब आइदर ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा. सही है? दूसरा, ऑपोजिट में होना चाहिए लाइन के भी. ये लाइन के किधर है? लाइन के ऊपर है.
तो ये वाला लाइन के नीचे होगा, मीन्स ये वाला होगा, ये और ये इक्वल है, बोला भैया चो। उसी प्रकार अगर हम ये लेते हैं, ये टू है, ये ऑन द राइट हैंड साइड है, तो हमने ये लेफ्ट में, तो ये और ये में से एक होगा, लेकिन ये है बिलो द लाइन, तो ये वाला होगा अबोव द लाइन, करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड ऑफ एंगल, सेम साइड ऑफ लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रावर्सल, ये ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन, ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रावर्सल। और व्हाट इज कोइंसिडेंट एंगल, तब कोइंसिडेंट एंगल होता है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यहां दोनों मान लो, अंदर समझ लो, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बट डिफरेंट साइड ऑफ लाइन, यहां पे दोनों सेम था, यहां पे दोनों ऑपोजिट, लेकिन यहां पे ट्रांसवर्सल सेम होगा, खाली लाइन डिफरेंट होगा। और इसका क्या होता है, ये इक्वल था, ये इक्वल था, ये होगा सम इज 180, ठीक है। सो आई एम ड्रॉइंग ए पैरेलल लाइन, ये वाला क्या प्रूव करना है आपको, आपको देखना है यहां कौन कौन सा कोइंसिडेंट एंगल है। चलो हम ये वाला एंगल ले, इसका कोइंसिडेंट क्या होगा, व्हाट आई टोल्ड, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, बट ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन, ये लाइन के ऊपर है तो ये लाइन के नीचे, मीन्स ये वन और ये वन, अगर इन दोनों का एड किया जाए द सम विल बी 180, क्लियर। फिर मान लो हम लेते हैं ये वाला, दिस इज माई एंगल टू, ये ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये भी होगा आइदर दिस वन या फिर दिस वन, लेकिन ये लाइन के नीचे है, मतलब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल तो सेम साइड ले लिए, लेकिन लाइन का ऑपोजिट लेना है, ये लाइन के नीचे है तो ये लाइन के ऊपर है, ये और इन दोनों को अगर ऐड करें तो फिर भी कितना मिलेगा 180। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन द पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। अब इसके ऊपर दो एग्जांपल देके हम ये अपना पोर्शन समाप्त करते हैं। कैसे सर, लेट अस सी, एक जूता बनाया जाए, सर एक जूता बना दिया हमने और बोला गया है कि दीज टू आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। तुमको दिया हुआ क्या है, यू आर गिवेन दिस एंगल इज 150 डिग्री एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री, यू टू फाइंड दिस एंगल, ये एंगल आपको निकालना है। कैसे करें, इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन हियर ऑल्सो, करेक्ट। अब देखिए क्या करेंगे, सर अगर ये एंगल 120 है तो ये और ये तो पैरेलल लाइन है, तो ये 120 तो ये पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल यहां से लगे यहां तक, ये इसका को इंटीरियर एंगल है, मतलब अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल, इसका नाम देते हैं, चलो इसका नाम अगर मान लो ए बी दिया था, इसका नाम सी डी, ये ई है तो इसको एफ मान लेते हैं, तो एंगल एफ ई डी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60, रीजन को इंटीरियर, करेक्ट। अच्छा ये भी तो को इंटीरियर है, ये दोनों जो पैरेलल है, दिस वन एंड दिस वन जो पैरेलल है, तो अगर ये 150 है तो सिर्फ इतना एंगल कितना होगा, ये इसके लिए को इंटीरियर है, तो एंगल एफ ई बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल 60 और ये रेड वाला एंगल 30, तो पूरा ब्लू वाला 60 है, रेड वाला 50 है, तो बीच का जो एंगल बच गया वो कितना होगा, देयरफॉर एंगल बी ई डी बेड कितना हो जाएगा, 60 माइनस 30 यानी कि, क्लियर आया समझ में। सो दिस इज हाउ आई एम डूइंग माय पैरेलल लाइन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, इसको हम खत्म करें।
या फिर ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, नेम नहीं करेंगे, ये ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ, क्लियर। अगर ये 140 है तो सिर्फ इतना सा एंगल कितना होगा, एंगल ई सी डी, ई सी डी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 140 इक्वल्स टू 40, मीन्स ये हो गया 40। ठीक, अच्छा अब यहां देखो, ये था हमारा 60, अब इसके साथ इसको ये 60, तो ये तो पूरा इसका क्या है, ये दीज टू आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ये 60 है तो इसका रीजन तो को इंटीरियर, करेक्ट, ये 60 ये कितना होगा एंगल रीजन ऑल्टरनेट। ठीक है, तो देखो ये पूरा एंगल निकला 60 और ये एंगल निकला 40, तो बीच का एंगल कितना होगा, देयरफॉर एंगल ई सी एफ हो जाएगा 60 माइनस 40 यानी कि 20। सही है, आराम से निकल गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। एक और क्वेश्चन को, ये कितना, एक पेंसिल जैसा बना, ये कितना होगा, इसको करने का उपाय क्या है, सर यहां बीच से एक पैरेलल लाइन कर, ओके, सो दैट दिस एंगल इज इनटू टू पार्ट्स, एंगल वन एंगल टू, तो इसका ऊपर का पार्ट रख दो, ये है ना, तो इसका मान लो पार्ट कुछ नाम दे दो, जैसे ये ए बी था, ये सी डी था और ये है ई, तो ऊपर के ये पार्ट को दो तुम्हारा E1 और ये दे दो E2, दो पार्ट में डिवाइड कर दे E1 E2। तो अब बताइए, तो E1 कितना होगा, ये तो मेरा क्या है E1 से इतना पार्ट, दिस वन इज E1 है ना, और नीचे का ये वाला पार्ट दिस इज E2, तो E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा 180 माइनस 110 बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, E2 हो जाएगा, E1 हो जाएगा 180 माइनस 110, रीजन इज 72, इफ द वैल्यू इज 72, और E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री, रीजन को इंटीरियर, करेक्ट। तो सर ये ऊपर का निकला 70, नीचे निकला 60, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, तो देयर फॉर ई ये हो जाएगा 70 प्लस 60 यानी कि 130 बन गया सर। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, तो आइदर तुमको पैरेलल लाइन सब दिया रहेगा या फिर तुम अपने मन से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे सो दैट यू कैन इजीली डिवाइड द एंगल इन द गिवन वैल्यूज, करेक्ट। सो दिस इज हाउ माय पैरेलल लाइंस क्वेश्चंस हैज टू बी डन। सो एक रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से, पहले वाले प्रॉपर्टी तो, पहले वाले चैप्टर तो आप लोग बर्बाद करके छोड़ दिए, टेस्ट देख ही लिया हम आप लोगों को कितना कितना मार्क्स मिला, यहां पे आप लोगों को क्या करना है, आरएस अग्रवाल से प्रत्येक क्वेश्चन बनाना है, एवरी क्वेश्चन, कोई सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, दो या तीन एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, वो सारा क्वेश्चन हमको बन के दिख जाना चाहिए, ठीक है, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये अगर नहीं बनेगा तो इसके बाद ट्राइंगल्स आएगा वो और हार्ड है, तो प्लीज इसको बना लीजिए सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द ट्राइंगल। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, थैंक यू।